क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर धरती पर इंसान पैदा ही ना हुए होते? हो सकता है कि ये सवाल सुनने में आपको बेहद अजीब लगे, क्योंकि अगर आज हम इंसान ना होते तो ना तो ये वीडियो बनाने वाला होता और ना ही इस वीडियो को देखने वाले, क्योंकि विज्ञान में हर प्रश्न के लिए जगह है और वहाँ हम किसी भी तरह का सवाल पूछने के लिए हकदार भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या होता अगर इस खूबसूरत सी दिखने वाली धरती पर इंसान पैदा ही ना हुए होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई इस धरती पर अब तक करोड़ों तरह के जीव जंतुओं और वनस्पतियों ने राज किया है। और अगर आज के समय की बात करें तो आज की डेट में इस धरती पर लगभग 87 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। और खुशकिस्मती से हम इंसान भी आज इस खूबसूरत पृथ्वी का एक हिस्सा हैं। और हम इंसानों ने अपने आप को जितना एडवांस और विकसित बनाया है उतना किसी और प्रजाति के जीव ने नहीं बनाया। इंसान धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवों में सबसे ज्यादा चालाक, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी है। और अपनी इसी महत्वाकांक्षा के चलते इस धरती पर मनुष्यों ने शहर बनाए, घर बनाए, यातायात बनाया, जहाज बनाए, रॉकेट्स बनाए। और इतना ही नहीं, इंसानों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने धरती के बाहर जाकर इस ब्रह्मांड में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा अलग अलग ग्रहों पर भी जाना शुरू कर दिया, वहाँ खोजबीन शुरू कर दी, यहाँ तक कि वहाँ रहने के भी ख्वाब देखने लगे। अगर वर्तमान समय की बात करें तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाने के लिए आज हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, अन्य ग्रहों पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि इंसानों ने इस पृथ्वी पर उसके बनने से लेकर आज तक किस प्रकार उसका हुलिया ही बदल दिया। लेकिन जरा रुकिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए इंसानों ने पृथ्वी पर से बहुत कुछ खो भी दिया है, जैसे कि पृथ्वी का व्यवस्थित वातावरण। फैलते हुए प्रदूषण ने आज इस पृथ्वी को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है उससे ऐसा लगता है मानो इस पृथ्वी को खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये पृथ्वी उतनी हरी भरी और उपजाऊ नहीं रही जितना कि आज से 500 या 1000 साल पहले हुआ करती थी। अब आप जरा सोचिए कि क्या होता अगर इस धरती पर इंसान पैदा ही ना हुए होते, क्या तब भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती? क्या तब भी इतने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती? क्या तब भी इस धरती पर रॉकेट, सैटेलाइट्स या टेलीस्कोप होते? क्या तब इस पृथ्वी का हुलिया उतना ही बिगड़ चुका होता जितना कि आज बिगड़ा हुआ है? चलिए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इस धरती पर इंसानों से पहले बड़े बड़े डायनासोरों ने करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज किया है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे बड़े बड़े जानवरों ने राज किया है जिनका आज हम नाम तक भी नहीं जानते। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि आज भी वो बड़े बड़े जानवर इस धरती पर राज कर रहे होते। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पैलियोटोलॉजिस्ट ट्रेवर वर्दी ये बताते हैं कि अगर इंसान धरती पर न होते तो ये धरती आज ज्यादा उर्वरक और उपजाऊ होती, क्योंकि आज इस धरती की मिट्टी को खराब करने वाले हम इंसान ही हैं। इसके अलावा आज इस धरती पर जानवरों का राज चलता और ये जानवर बेहद बड़े आकार के भी हो सकते थे, जैसे कि डायनासोर या शार्क इत्यादि। जरूरी नहीं है कि वो डायनासोर या शार्क ही होते, ऐसा भी हो सकता था कि इन्हीं के क्रमिक विकास के चलते इनसे भी ज्यादा बड़े और ताकतवर जानवर बन गए होते। अगर हम ये मान लेते हैं कि आधुनिक इंसान यानी कि हम होमो सेपियंस इस धरती पर न होते तो क्या होता? इस सवाल के जवाब में ट्रेवर वर्दी कहते हैं कि अगर हम होमो सेपियंस न होते तो आज इस धरती पर हम इंसानों के पूर्वज यानी कि नियंडरथल मानवों का राज होता। नियंडरथल मानव आज से करीब 40,000 साल पहले खत्म हो गए, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार नियंडरथल मानव और होमो सेपियंस का डीएनए आपस में मिला हुआ है, इस वजह से ये हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। और आज अगर इस धरती पर होमो सेपियंस नहीं होते तो यहाँ इन्हीं नियंडरथल मानवों का राज चलता, जिनके अंत की वजह आज होमो सेपियंस कहे जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं कि नियंडरथल मानवों के खत्म होने की असली वजह क्या थी, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक होमो सेपियंस को ही इनके खात्मे की वजह मानते हैं। अब जरा सोचिए कि इस धरती पर इंसान नहीं होते तो इस धरती की तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि इंसानों ने धरती की वर्तमान तस्वीर को बनाने के लिए बहुत से प्रजातियों के जीव जंतुओं को खत्म कर दिया। इसके अलावा इंसानों ने इस पृथ्वी की खूबसूरती को बढ़ाने वाले पेड़ों और जंगलों को भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुँचा दिया है। इसीलिए अगर इंसान न होते तो शायद आज भी इस पृथ्वी की वो खूबसूरती बरकरार रहती।
इसके अलावा पृथ्वी पर आज भी डोडो से लेकर तस्मानियन टाइगर जैसे जानवर मौजूद होते। आज इन्हें भी इंसान पूरी तरह से खत्म करने की कगार पर पहुंचा चुके हैं। इनके खात्मे की मुख्य वजह इंसानों द्वारा इनका शिकार करना और इनके घरों को अपने फायदे के लिए तबाह कर देना है। इसके अलावा ज्यादातर पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि अगर इंसान धरती पर न होते तो अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की दर लगभग 100% कम होती, क्योंकि इंसानों के अलावा अन्य जीवों में उतनी महत्वाकांक्षा नहीं होती। और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि इंसानों के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इस धरती के 80% जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी प्रजातियों के भी जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आज तक कुछ भी सुना ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसानों ने अपने अस्तित्व में आने पर सबसे पहले शिकार करना ही शुरू किया था। तो इस हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंसानों ने धरती को एक एस्ट्रॉइड की तरह तबाह किया है। धरती पर जब से आधुनिक इंसान आया है तबाही के अलावा कोई और काम हुआ ही नहीं है, चाहे ये तबाही प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित हो या किसी की जिंदगी से। एक रिसर्च के मुताबिक आज से करीब 10 लाख साल पहले न्यूजीलैंड में 11.8 फीट के ऑस्ट्रिच पक्षी हुआ करते थे, लेकिन अब से करीब 750 साल पहले मोवाज की ये सारी प्रजातियां खत्म हो गई हैं। और ऐसा इंसानों के विकास से आज 200 सालों के बाद ही हो गया। इसके अलावा ट्रेवर ने बताया कि मोवाज के अलावा 25 अन्य कशेरुकीय प्रजातियां खत्म हो गई, जिनमें जायंट हार्स्ट ईगल भी शामिल थे। इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए खेत बनाए और जंगलों को काटने की वजह से ज्यादातर स्तनधारी जीव अपनी अपनी जगहों से अलग होते गए और इनका शिकार बनते गए और फिर विलुप्त हो गए। बड़े बड़े जीव जंतु अपने खाने और मल के जरिए फसलों और पेड़ पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते रहते थे। इससे जो इकोसिस्टम बनता वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता, और इसके साथ साथ फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती। अब क्योंकि बड़े बड़े जीव उतने बचे नहीं तो इन चीजों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर रुक गया है। अब क्योंकि आज इंसान आधुनिक हो गए हैं तो आज इंसान अपने आधुनिक तरीकों से कृषि करने लगे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग ने काफी तबाही मचा रखी है, और ये ग्लोबल वार्मिंग भी हम इंसानों की ही देन है। हमारी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं ने इस पृथ्वी को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है, इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इंसानों की बढ़ती गतिविधियों की वजह से वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया है। इसीलिए अगर इंसान पृथ्वी पर ना होते तो आज पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना नहीं कर रही होती। 2016 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानी गतिविधियों से पृथ्वी पर गर्मी काफी बढ़ने लगी है, और इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से अगला हिमयुग 1 लाख साल आगे टल गया है। दोस्तों, ये सभी केवल वैज्ञानिकों की कल्पनाएं हैं कि क्या होता अगर इंसान धरती पर नहीं होते। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें खोनी भी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि इंसानों ने सिर्फ स्थिति को बिगाड़ा ही है। आज इंसानी सभ्यता को इतिहास की सबसे बुद्धिमान सभ्यता माना जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर इंसान नहीं होते तो इस पृथ्वी की सबसे बुद्धिमान सभ्यता कौन होती। आज इंसान न केवल पृथ्वी को जान चुका है, बल्कि पृथ्वी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड और इस सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रहों तक भी अपने कदम रख चुका है। अब जरा सोचिए कि अगर इंसान नहीं होते तो क्या आज पृथ्वी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में झांकना संभव होता। आज अगर इंसान नहीं होते तो चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर पृथ्वी की पकड़ नहीं होती। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अगर इंसान नहीं होते तो पृथ्वी पहले की तरह हरी भरी होती। ये भी तो हो सकता था कि अगर इंसान नहीं होते तो बड़े बड़े जीव जंतु ही इस पृथ्वी को बंजर बना देते, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा उन जीव जंतुओं को नष्ट कर देती, जिससे पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह बिगड़ जाता। अगर इंसान नहीं होते तो इस पृथ्वी का क्या होता, इस सवाल का जवाब देना बेहद कठिन है। समय और परिस्थितियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज इंसानों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते पृथ्वी की हालत बहुत खराब कर दी है, जिसे हम इंसानों को ही सुधारना होगा। और पृथ्वी की इस अवस्था को सुधारने के लिए सरकार काफी अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, जिसमें हम सभी को सहयोग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि अगर इंसान ना होते तो आपके हिसाब से आज क्या होता, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।